जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आपसे लोग का आपके अपने चैनल आलकू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। सीआरपीएफ में एक न्यू वैकेंसी के बारे में एक अखबार की कटिंग है जो कि बहुत तेजी से वाल हो रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे वेबसाइट पर भी आप लोगों को इस प्रकार के नोटिस देखने को मिल जाएंगे कि सीआरपीएफ में एक और न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसके टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल आप लोगों का 21,000 पद यहाँ पर आया हुआ है। इसके साथ साथ आयु भी जो है 18 से लेकर जो है 28 वर्ष तक बताई जा रही है। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर क्या वाकई में जो है 21,000 सीआरपीएफ में न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है या फिर यह फेक बिल्कुल न्यूज है, क्योंकि अखबार के कटिंग में भी आया हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है वेबसाइट पर भी यह जो है शो कर रहा है कि 21,000 की जो है न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी रियलिटी बताएंगे, 21,000 वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि 21,000 वैकेंसी आ रही है तो कहां पर आ रही है, इसको कैसे जो है प्रूफ कर रहे हैं वो लोग हैं, क्या कुछ जानकारी, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताएंगे। बट इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल हमारे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी कि नहीं आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 21,000 वैकेंसी के बारे में। ठीक है, मेरे पास पहले अखबार का कटिंग जो आया है पहले उसको दिखा देता हूँ, फिर उस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास फिलहाल ये अखबार थोड़ा और लंबा था, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ केवल इतना ही अखबार का कटिंग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीआरपीएफ में होगी 21,000 जवानों की भर्ती। ठीक है, तो यह मैं आप लोगों को पहले तो क्लियर कर दूं, यह अखबार जो है बिल्कुल फेक है। ये बहुत सारे जो है स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट वाले ऐसे हैं जो कि इसको एडिटिंग करके बनाते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यह भर्ती जो है फेक है। ठीक है, पूरी चीज़ें मैं आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखना, संपूर्ण आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जो भर्ती जो है इन्होंने जो बताया हुआ है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है बिल्कुल भी फेक वेबसाइट है। ठीक है, आप लोग कभी भी इस वेबसाइट पर ना जाएं। ठीक है, बिल्कुल भी फेक वेबसाइट है, आप लोगों को पूरी गलत इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब 21,000 वैकेंसी आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, पहली चीज़ तो सीआरपीएफ में यह वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही, नहीं सीआरपीएफ इस वैकेंसी को करा रही है। ठीक है, एसएससी जीडी की आप लोगों की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और एसएससी जीडी में अभी फिलहाल जो है कितनी वैकेंसी आ रही है ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो जिससे ये साबित हो जाता है कि 21,000 जो वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है एसएससी जीडी में, यह बिल्कुल भी गलत बताया जा रहा है। ठीक है, सीआरपीएफ की 21,000 वैकेंसी अभी तक नहीं आ रही। ठीक है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आएगी उनमें आप लोगों को जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, इस प्रकार के बहुत सारे पोस्ट पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं कि आप लोगों की सीआरपीएफ में 21,000 ही वैकेंसी आएगी, तो अभी एसएससी ने जो है इस प्रकार की कोई भी नोटिस जारी नहीं किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बच्चों में अभी भी कन्फ्यूजन है, कुछ दिनों पहले एक अखबार वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों जो है एसएससी जीडी की जो है 40,000 पोस्ट पर भर्ती निकालने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा था, लेकिन जो है यह भी अखबार जो है बिल्कुल अपने आप में खारा नहीं उतर पाया हुआ है। फिलहाल अभी सरकार ने जो है इस पर दावा किया हुआ है, एसएससी जीडी के जो है वहाँ पर अधिकारी जो आए हैं उन्होंने बताया हुआ है कि फिलहाल ये चीज़ें बिल्कुल फेक उड़ाई जा रही हैं, अभी यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है 60,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं एसएससी जीडी में। तो इसके देखते हुए आप लोग उसमें सीआरपीएफ के पद भी रहेंगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सीआरपीएफ की वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पर एसएससी जीडी की वैकेंसी निकाली गई जिनमें आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट और भर्ती देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों की, न कि आप लोगों को सीआरपीएफ में 21,000 वैकेंसी निकाली, ये बिल्कुल भी फेक न्यूज है। आप लोग किसी भी ऐसे वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर किसी अखबार की कटिंग पर ये विश्वास मत कर लेना कि नहीं 21,000 की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वरना मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है बार बार कमेंट कर रहे थे, सर क्या सीआरपीएफ में 21,000 की वैकेंसी आ रही है, मैंने अखबार की कटिंग में देखा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर और भी यूट्यूबर जो हैं बता रहे हैं, तो इस प्रकार की वैकेंसी बहुत आ रही है। ठीक है, यूट्यूब पर आप लोग जाएंगे देखेंगे, वहाँ पर जो है बीएसएफ की वैकेंसी सर्च करेंगे तो लोग बीएसएफ की बताएंगे 10,000 20,000 50,000 रोज की रोज वैकेंसियाँ निकल रही हैं, 10,000 रोज निकल रही हैं, 20,000 रोज सीआरपीएफ में 10,000 निकल रही है, बीएसएफ में 10,000 निकल रही है, वो लोग बताते रहे, उनका बताने का काम है, वो लोग बताते रहेंगे। लेकिन आप लोग जो रियल न्यूज़ मिलेगी वो आप लोगों को इसी चैनल पर, कोई भी जानकारी आप लोगों को जानना हो संपूर्ण जानकारी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग जो भी डाउट रहेंगे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे। फिलहाल इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी बिल्कुल फेक है, आप लोग ऐसी किसी भी जो है अखबार कटिंग पर या फिर किसी ऐसे वेबसाइट पर विश्वास न करें जो कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके
चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिख रहा होगा बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।